बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी जी। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आज की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूंगा। कबल अज रिटायरमेंट पर हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद में 5 साल की तोसी पर तजावीज तलब कर ली गई। सूबाई हुकूमतों का सर्वर स्ट्रक्चर में तब्दीली पर भी गौर। रिटायरमेंट के लिए उम्र 65 साल करने के बारे में तजावीज वफाक को भेज दी गई। पेंशन असलाहत पर भी अमल दरामद जारी। कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने वाले तमाम सरकारी महकमों के मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। आज की सबसे बड़ी खबर, रिटायरमेंट की उम्र 60 से 65 साल करने की तजवीज। सूबाई हुकूमत ने तजावीज तलब कर ली। सर्वर स्ट्रक्चर में तब्दीली पर गौर वोस शुरू कर दिया। सर्वर स्ट्रक्चर के हवाले से तजावीज तलब कर ली गई। रिटायरमेंट की उम्र में 5 साल के इजाफे पर सूबाई हुकूमत ने महकमा कानून से तजावीज तलब कर ली। ये तजावीज सरकारी जराए के मुताबिक वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने वाले तमाम सरकारी महकमों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। साबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 63 साल कर दी। बाद अदालती अहकामात की रोशनी में वापस मुद्दत मुलाजमत 60 साल कर दी गई थी। अब रिटायरमेंट की उम्र पेंशन की अदायगी के बायस बढ़ाने पर गौर वोस शुरू कर दिया गया। रिटायरमेंट की उम्र 62 से 60 से 65 साल करने पर गौर। पेंशन असलाहत पर अमल दरामद तेजी से जारी। सरकारी मुलाजमीन के कबल अज रिटायरमेंट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सरकारी मुलाजमीन की पर पाबंदी आयद कर दी गई और इससे पेंशन असलाहत लाई जाएंगी। और पेंशन असलाहत के अलावा पेंशन के हवाले से जो बोझ है उसको कम करने के लिए फौरी तौर पर जो मुआशी हालात है पाकिस्तान के, इस हवाले से ये तमाम काम किया गया है। और देखते हैं कि आइंदा बजट में इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। थैंक्स फॉर वॉच।